क्या कभी आपने सुना है कि कोई बिना शराब पिए नशे में रहता हो? अमेरिका में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला के पेट में अल्कोहल बनती है, जबकि उसने कभी भी शराब नहीं पिया। शरीर में अल्कोहल का बनना सुनने में जादू या चमत्कार की तरह लग रहा है। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये झूठ नहीं है। इसको लेकर मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पहले डॉक्टरों ने भी इस महिला को शराबी करार दिया था, लेकिन बाद में हकीकत जब सामने आई तो उनके भी होश उड़ गए। यही वजह है कि अब उस महिला का लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि पेट में शराब बनने के बाद वह महिला के खून में मिल जाती है और इस कारण वह नशे में रहती है। पेट में शराब बनने की वजह से सारा लेफवर नाम की अमेरिकी महिला का लीवर खराब हो गया है और अब उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। महिला के पेट में यीस्ट अत्यधिक एथेनॉल उत्पादन करता है, जो उनकी खून में मिल जाता है और इस कारण वह अक्सर नशे में रहती हैं। सारा ब्रेथ एनालाइजर में सामान्य से 6 गुना अधिक अल्कोहलिक मिली थी। metro.co.uk की रिपोर्ट के अनुसार 38 वर्षीय सारा लेफवर ऑटो ब्रुएगरी सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इस बीमारी की वजह से महिला के पेट में हमेशा अल्कोहल बनता है। सारा की तबीयत पिछले कुछ सालों से खराब रहती है और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कतें होती हैं। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। पिछले साल फरवरी में ऑटो ब्रुएगरी सिंड्रोम नामक बीमारी का पता चला। सारा बताती हैं कि यह बीमारी बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि इस वजह से वो काफी परेशानियां झेल रही हैं। उन्होंने साथ ही बताया, जब शुरुआत में वह डॉक्टर के पास जाती थी तब डॉक्टर भी उन्हें नशेड़ी समझते थे। सारा के परिवार के लिए दिसंबर 2019 एक तूफान की तरह आया। सारा अपने घर के स्टूडियो में बेहोश पड़ी मिली। इसके बाद उनकी बेटी ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सारा की जांच हुई और नशे की बात सामने आई। एक रिपोर्ट की माने तो फरवरी 2020 में सारा का इलाज किया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उसे नए अंग नहीं दिए, बल्कि नई दवाइयों से इलाज किया गया।